ये कहानी एक बहन और भाई के रिश्ते की है। इनका जन्म शहर से दूर एक छोटे से गांव में हुआ। दोनों के बीच 3 साल का अंतर था। सिस्टर का भाई उससे 3 साल छोटा था। गांव की कई लड़कियों के पास एक रुमाल होता था। सिस्टर को भी रुमाल खरीदना था, इसीलिए एक दिन बेटी ने अपने पापा के पर्स से 50 रुपये चुराए। पापा को कुछ देर के बाद पता चल गया कि दोनों में से किसी ने पैसे चुराए हैं। पापा ने बहन और भाई दोनों को दीवार के सामने घुटने टेक कर खड़ा करवाया और उन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी हुई थी। पैसे किसने चुराए, पापा ने पूछा। बहन दंग रह गई, वह बात करने से भी डरने लगी। दोनों ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए फिर पापा ने कहा, ठीक है, अगर किसी को स्वीकार नहीं करना है तो आप दोनों की पिटाई होगी। पापा ने जैसे ही छड़ी उठाई, अचानक छोटे बेटे ने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा मैंने ही ये काम किया है। पापा ने लंबी छड़ी से छोटे बेटे को बहुत पीटा और इतना पीटा कि वे तब तक नहीं रुके जब तक वे थक नहीं गए। उसके बाद पापा बिस्तर पर बैठ गए और अपने बेटे को डांटते हुए कहा, तुमने अब घर से चोरी करना सीख लिया है, भविष्य में तुम और क्या शर्मनाक काम करोगे, इस काम के लिए तो तुझे मार मार के तेरा अंत कर देना चाहिए। उस रात लड़के की माँ और बहन ने अपने भाई को गले लगाया। पिटाई से उसका शरीर गांवों से भर गया था, लेकिन उसने एक आंसू नहीं बहाया। आधी रात को अचानक बहन जोर जोर से रोने लगी। भाई ने अपने छोटे से हाथ से बहन का मुंह ढक दिया और कहा, देखो अब और मत रो, जो होना था वो हो गया। सालों बीत गए, लेकिन ये घटना अभी भी बहन को ऐसे लग रही थी जैसे कल ही हुई थी। जब ये घटना हुई थी तब भाई 10 साल का था और बहन की उम्र 13 साल थी। जब भाई ने अपना 9th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया तब 10th में उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल रहा था। उसी समय बहन को भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था। उस रात उनके पापा घर के बाहर थोड़ा परेशान होकर बैठे थे। बेटी उनकी बातें सुन रही थी। पापा ने बच्चों की माँ से पूछा, हमारे दोनों बच्चे, उनके अच्छे रिजल्ट है ना, क्या बहुत अच्छे रिजल्ट है? माँ ने अपने आंसू पोंछे और कहा, क्या फ़ायदा है, हम कैसे उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दे पाएंगे। उसी समय उनका छोटा बेटा घर के बाहर आता है और पापा के सामने खड़ा होकर कहा, पापा मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है, मैंने बहुत किताबें पढ़ ली है। पापा ने अपना हाथ घुमाया और अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। तू इतना कमजोर क्यों है, भले ही इसका मतलब है कि मुझे सड़कों पर भीख मांगनी पड़े, मैं तुम दोनों को स्कूल भेजूंगा जब तक कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। और फिर पापा ने पैसे उधार लेने के लिए गांव के हर घर में दस्तक देना शुरू कर दिया। एक दो दिन बाद बहन ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, देखो तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी ताकि तुम हमें गरीबी से बाहर निकाल सको, और मैंने फैसला किया है कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करूंगी। किसी को नहीं पता था कि एक दो दिन बाद सुबह होने से पहले भाई ने अपने कुछ सूखे कपड़े लेकर घर छोड़ दिया। उसने अपने बहन के बिस्तर के तकिए पर एक चिट्ठी छोड़ी हुई थी। मेरी प्यारी बहन, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ और मैं आपको पैसे भिजवाता रहूँगा। उस दिन बहन अपने बिस्तर पर वो चिट्ठी को देख बहुत रोई। जब ये घटना हुई थी तब भाई 17 साल का था और बहन की उम्र 20 साल थी। पापा के द्वारा उधार लिए गए पैसों से और जो पैसे भाई ने कंस्ट्रक्शन साइट पर सीमेंट उठाकर कमाए, उससे बहन कॉलेज के 3rd ईयर तक पहुंच गई। एक दिन बहन अपने हॉस्टल के रूम में पढ़ाई कर रही थी। उसकी फ्रेंड ने अंदर आकर उससे कहा, बाहर तुम्हारे गांव का कोई इंतज़ार कर रहा है। कोई गांव वाला मुझे क्यों ढूंढ रहा होगा। वह बाहर आई और उसने अपने भाई को दूर से देखा। उसके भाई का पूरा शरीर गंदगी, धूल, सीमेंट और रेत से ढका था। उसने अपने भाई से पूछा, तुमने मेरी फ्रेंड को क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भाई हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी शक्ल देखो, अगर वे जान लेगी कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो वे क्या सोचेंगे, वे लोग तुम पर हंसेंगे नहीं। बहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने भाई के शरीर से गंदगी और धूल को मिटाया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, तुम मेरे भाई हो और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। उसने अपने जेब से बटरफ्लाई वाली हेयर क्लिप निकाली। उसने अपने बहन के बालों पर हाथ रखा और कहा, मैंने देखा कि शहर की सभी लड़कियां इसे पहन रही हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आपके पास भी एक हेयर क्लिप होनी चाहिए। बहन खुद को रोक नहीं सकी और अपने भाई को गले लगाकर रो पड़ी। उस साल उसका भाई 20 साल का था और बहन की उम्र 23 साल थी।
कुछ समय के बाद बहन की लव मैरिज हो जाती है और बहुत अच्छे घर में शादी होती है। अब वह सिटी में रहती है। उसके हस्बैंड ने कई बार उसकी फैमिली को इनवाइट किया सिटी में उनके साथ रहने के लिए, पर वे कभी नहीं आए। वे हमेशा कहते थे कि अगर एक बार हमने गांव छोड़ दिया तो हमें नहीं पता कि आगे हम क्या करेंगे। भाई फैमिली की बात से सहमत था। उसने कहा, बहन आप सिर्फ अपने माता पिता की देखभाल करते रहो, मैं यहाँ माँ और पिताजी का ख्याल रखूँगा। उसका भाई 30 साल का था जब उसने गांव के एक किसान की लड़की से शादी की। शादी के दौरान पंडित जी ने भाई से पूछा, आप सबसे अधिक सम्मान और प्यार किससे करते हैं? सोचने का समय लिए बिना उसने जवाब दिया, मेरी बहन। वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जो बहन को याद भी नहीं। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब हमारी स्कूल एक दूसरे गांव में होती थी। स्कूल जाने और आने के लिए हमें 2 घंटे चलना पड़ता था। ठंड के मौसम में हमें हैंड ग्लव्स पहन के चलना पड़ता था। एक दिन मैंने अपने 2 हैंड ग्लव्स में से एक खो दिया। मेरी बहन ने मुझे एक दिया और वह अकेली एक हाथ में हैंड ग्लव से चलने लगी। जब हम घर पहुंचे तब ठंड के कारण उसके हाथ कांप रहे थे और वह खाना खाने के लिए अपना चम्मच भी पकड़ नहीं पा रही थी। उस दिन मैंने कसम खाई कि जब तक मैं जीवित रहूंगा अपनी बहन की देखभाल करता रहूंगा और हमेशा उसका साथ दूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। सभी मेहमान बहन की ओर देखने लगे। बहन मन ही मन कहने लगी, मेरे पूरे जीवन में मैं जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी तो वो मेरा भाई है। भीड़ के सामने खुशी के मौके पर आंसू फिर से उसके चेहरे पर आ गए। आप सोच सकते हैं कि उसने जो किया वो सिर्फ एक छोटा सा काम था, लेकिन किसी के लिए ये बहुत मायने रखता है। आपका भाई आपको कभी नहीं बोलेगा कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन दुनिया में वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है। भाई बहन की यारी दुनिया में सबसे प्यारी। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।